हेलो दोस्तों, राम राम आपको भी। गुड मॉर्निंग, यहाँ पर आए हैं हमारे बड़े पापा। मेरे पापा दुबई है, वहीं पर वो काम कर रहे हैं, काफी साल हो गए हैं, तो वो हर साल आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। तो अभी कल रात को ही आए हैं दुबई से, तो आज आए हैं वो बड़े बुजुर्ग को मिलने के लिए, यानी कि हमारे दादी माँ और हम सबको मिलने के लिए हर साल इसी तरह से आते हैं। परिवार की भी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो वहाँ पर अकेले ही होते हैं, तो जब भी आते हैं तो इसी तरह से सभी को वो मिलने के लिए आते हैं और जाते हैं, तभी भी सभी को मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि परिवार के बिना रहना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं, इसलिए हम ये समझ नहीं सकते हैं कि कितनी याद आती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर अभी तोड़ने वाली हूँ नारियल, के अंदर पानी नहीं है, ये अब सूख गया है, इसे तोड़ना काफी मुश्किल होता है। देखिए, ये भी एकदम से पूरा बिल्कुल भी नहीं टूटा है, अच्छी तरह से निकल आया, लेकिन इसके अंदर अभी पानी नहीं है, इसका जो पानी है वो सूख गया है पूरी तरह से। आधा टूट गया लेकिन आधा रह गया। ये इस तरह से पूरा निकल आया, देखे इसका शेप अब कैसा हो गया है। ये पानी सूखने के बाद ये सूख जाता है, फिर थोड़ा सा इसका जो शेप होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसे खाना चाहिए, सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी ताकत होती है नारियल में। तो भी मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता नहीं है कि ये टूटेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है, नहीं होगा ये। यहाँ पर बैठे हैं मम्मी, मम्मी है वो मेथी साफ कर रहे हैं अचार में डालने के लिए, और ये मैंने फाइनली तोड़ लिया है। पापा आ गए हैं डम स्ट्रीट में दवाई का छिड़काव करने के लिए, तो अभी मैं और मम्मी हैं घर पर। ये इनका अंकुरण है, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथों पर। जब पानी होता है तब नारियल को हम किसी जगह पर गड्ढा करके अंदर की ओर रख देते हैं, तो ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है अंकुरण, उसी में से पूरी जो नारियल है वो फूटती है। बहुत हमारे जो एक नारियल है, या जो पीछे वाली है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, उसके नारियल है वो। दोस्तों, मैं जा रही हूँ बड़े पापा के घर पर, यहाँ पर बैठे हैं हमारे बुआ जी, सबसे बड़े बुआ जी है वो, ये अभी मुंबई से आए हैं, अभी 2 साल नहीं आ पाए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में आ नहीं पाए थे, तो इस साल आए हैं। यहाँ पर है दादी माँ, तो मैं इन लोगों को नारियल देने के लिए आई हूँ, मैंने अभी तोड़ा है। तो दादी माँ ऐसा बोल रहे हैं कि मैं देख नहीं सकती हूँ, अंधी होकर बैठी हूँ। और ये मैंने सॉक्स बनाए हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है क्रिएटिविटी का, वो चैनल पर मैं स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको भी ये जो सॉक्स है उसका वीडियो देखना है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। ये मैंने बड़ी मम्मी के लिए बनाए हैं, तो यहाँ पर मैं देने के लिए आई थी बड़ी मम्मी को। यहाँ पर बड़ी मम्मी भी कुछ साफ करने वाली है, क्या है, क्लीन कर रही है ग्वार। अच्छा, ग्वार की कटिंग करने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तीर्थ है, वो पढ़ाई कर रहा है। और हमारे डुग्गू की 2 दिन से तबीयत खराब है, अभी वो झुंड में भी नहीं जा रहा है गायों के साथ, देखिए, और खाना भी नहीं खा रहा है। कैसी हालत हो गई है डुग्गू की? डुग्गू
आज डॉक्टर आया था, लेकिन उस टाइम पर डुगू घर पर नहीं था। बछड़ियों के लिए हमने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन उस टाइम डुगू नहीं, हमें बुलाया लेकिन डुगू नहीं आया। नहीं तो आज डुगू को भी इंजेक्शन लगवाना था। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा स्टैंड है। जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इसके अंदर कैमरे को रखती हूँ। मेरे पास वो ऑनलाइन भी मैंने मंगवाए थे स्टैंड, लेकिन ज़्यादातर मुझसे टूट जाते हैं क्योंकि मैं उतना संभाल नहीं पाती हूँ। कभी पैर लग जाता है तो मैं कहीं खेत में या गायों के पास लेकर जाती हूँ तो फिर टूट जाता है। तो ये क्या पापा ने मुझे नहीं बताया था, वो पापा को ऐसा लगा कि मुझे स्टैंड की ज़रूरत है और टूट जाते हैं, तो पापा बना कर लेकर आए। नीचे की ओर देखिए, इस तरह से पाइप को वेल्डिंग करवाया है और यहाँ पर एक गोल पाइप लगाया है, और इसके अंदर ये मैं सेल्फी स्टिक को रखती हूँ और इसके अंदर मैं अपना मोबाइल रख देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे वीडियो वो शूट करती हूँ यही स्टैंड से। अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टैंड, क्योंकि मैं इसे कहीं पर भी ले जा सकती हूँ। अगर ये गिर जाता है तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। ये देखिए, अभी इसमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टैंड को तोड़ दिया है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो दोस्तों, है ना, बहुत ही बढ़िया ये जुगाड़ी मेरा स्टैंड। मैं पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टैंड मेरे पास आया उसके बाद मुझे बहुत ही आसानी हुई है वीडियोस बनाने में, क्योंकि मैं इसे कहीं पर भी ले जा सकती हूँ, खेत में, गायों के पास, या तो घर में भी, कहीं पर भी मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि स्टैंड टूट जाएगा। इसकी बहुत मजबूत है ये मेरा स्टैंड। ये मेरे पास स्टैंड था, अब इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये किसी भी तरह से ये अब यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, बहुत बुरी तरह से ये टूट गया है। इसका जो माउंट है वो भी टूट गया था। तो मेरे मौसी का बेटा है, उसने इसके अंदर ये लकड़ी डाली है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से लकड़ी से ये फिर से इसने ठीक किया है, लेकिन अभी ये इस तरह से घूम जाता है। अभी मैं इसे कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ये कभी इस तरह से गिर जाता है तो ये टूट जाता है। इतना आसान नहीं रहता है मुझे, क्योंकि मैं गायों के पास खेत में जाती हूँ तो ये स्टैंड लेकर जाना। इसीलिए अब मुझे ये जो हमारा जुगाड़ी स्टैंड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच पापा, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं था पापा ने, और वो अपने हिसाब से वो स्टैंड बना कर लेकर आए, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम आ रहा है वो स्टैंड। अब बिल्कुल भी मुझे ये वाले स्टैंड की याद नहीं आती है। अभी हम पूरा दूध नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा ही दूध निकालते हैं। जो बछड़ी पूरा दूध नहीं पी सकती है, इसलिए क्योंकि बाकी का जितना भी वो पी सकती है उतना हम बछड़ी को ही देते हैं कुछ दिनों तक, क्योंकि हम उसकी छाछ नहीं बनाते हैं और दूध का भी कहीं पर यूज़ नहीं करते। इसलिए तो सारा गाय अभी बछड़ी ही, जो दूध है वो बछड़ी ही पिएगी। हम गोपी को नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 गायें हैं और
पीछे जो गौरी है वो भी ब्याने वाली है, तो काफ़ी सारी गाय हो जाएगी। फिर मम्मी को अकेले को बहुत वो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काउ मिल्किंग करने में, इसलिए अभी गोपी हमारे पास कुछ दिन ही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।